हाँ तो बता देना चाहता हूँ कि जो होली है ससुर एकदम नजीक आ चुका है, इतना नजीक आ चुका है कि देखिए साइड में आके दांत चियार के खड़ा हुआ है। बस अरे बात ऐसा है कि सवाल ये है हमारा कि इस साल के होली में सबसे ज़्यादा गाना किसका बज रहा है। अब इस सवाल के बाद में देखना जाके इतना दचियार लोग गरियाएगा कमेंट में जाके। रुको पहले बात सुन लिया करो, पहले दचियार देते हो। तो सवाल यही है कि इस साल के होली में सबसे ज़्यादा गाना किसका बजेगा और बज रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते, इस वीडियो में बने रहो लास्ट तक, बाकी मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए बात ऐसा है कि सब लोग अपना अपना गाना जो है रिलीज कर दिया है, और पवन भैया इस साल होली में इतना ज़्यादा ट्राई किए, मैंने पहाड़ तक दिखा दिए, आप सबको पता है, पहाड़ बता दिए, दिखा दिए, भौजिक चाट भी लिए, चोलिया पे बहुत कुछ जो है सारा गाना लिख दिए, लेकिन इस साल के होली में क्या पवन भैया आगे रहेंगे, इसका सवाल का जवाब हम देना चाहते हैं। बात ऐसा है, देखिए पवन भैया का एक ठू गाना है जो उन्हें गाने का नाम है कि रंगमा थोपे थोपे, ठीक है। अपन भैया जो है पिचकारी से जो है चू रहा था गाने में, ठीक है, उस गाने पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ है, यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो, 11 मिलियन व्यूज़ है पवन भैया गाने पे। तो क्या पवन भैया गाना सबसे ज़्यादा बज रहा है? ट्राई तो बहुत ज़्यादा किए पवन भैया कि इस साल के होली में हम पहाड़ वहाड़ दिखा के आगे हो जाएं, लेकिन आप सबको नहीं पता है कि इस साल की होली में मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा कोई गाना अभी बज रहा है तो वही बज रहा है मुरैया जवनपुर के, सबसे ज़्यादा गाना यही बज रहा है। और एक्रॉस यूट्यूब पे देखा जाए व्यूज उस गाने का, तो हमें लग रहा है कि 15 मिलियन क्रॉस कर गया है। यूट्यूब पे जाकर देखो, एक यूट्यूब चैनल से वो गाना रिलीज ही नहीं हुआ है, मेन यूट्यूब चैनल से 6 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, और ये है चुटुर पुटुर जो है यूट्यूब चैनल से रिलीज किए हैं, उससे तो रामदेव मैंने कौन पे 1 मिलियन, कौन पे 5 लाख, कौन पे 4 लाख, कौन पे 1 लाख, मैंने मिला जुला के लगभग मुझे लग रहा है कि 15 लाख व्यूज क्रॉस कर लिए होंगे। मुद्दे की बात यह है कि सबसे ज़्यादा व्यूज किस गाने पर है अभी के होली में, तो गरम गोदाम जो खेसारी भाई गाना है सबसे ज़्यादा व्यूज उसी पे है। एक्रॉस यूट्यूब चैनल शायद 12 मिलियन क्रॉस हो चुका है, और पवन भैया जो गनवा है रंगवा थोपे थोपे उस पर 11 मिलियन से, ठीक है। तो अभी के टाइम पे गरम गोदाम पे सबसे ज़्यादा व्यूज एक्रॉस है, लेकिन एक्रॉस यूट्यूब और चेक किया जाए तो मुझे लग रहा है मुरैया जौनपुर पे, जौनपुर के सबसे ज़्यादा व्यूज है। तो कहने का मतलब इस साल के होली में सबसे ज़्यादा गाना कोई अगर बज रहा है अभी के टाइम पे तो गरम गोदाम हो गया, लहंगा लॉक हो गई, भतीजवक माई हो गई, उसके बाद में मुरैया जौनपुर के हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो है मिला जुला कुल बात ये है कि इस साल के होली में सबसे ज़्यादा कोई गाना बज रहा है तो खेसारी लाल यादव बज रहा है। अब कुछ लोग जो है इतना गुस्साएंगे, इतने मने मने जो है उनको जो है टूट सराप रहे होंगे कि कहा बता दिया, ये तो एकदम झूठ बोल रहा है, इसका तो कुछ नॉलेजवे नहीं है, एकदम दचियार यूट्यूबर है। तो बात ऐसा है कि ये सच्चाई है, मानना पड़ेगा, जो सच्चाई होता है वही हम बताते हैं, वही पे जो है वीडियो ही बनाते हैं, ठीक है, जाके चेक कर सकते हो। आप सबको भी पता है कि रील्स पे सबसे ज़्यादा कोई अभी वायरल चल रहा है गाना तो मुरैया जवनपुर के, ठीक है, तो ये मानना पड़ेगा, मानो चाहे ना मानो, चाहे दचियारी को लोगे, ये सच्चाई यही है। और यही बता देना चाहता हूँ कि इस साल के होली में फिर से खेसारी लाल यादव सबसे ऊपर रहेंगे, ठीक है, यही कह देना चाहता हूँ। बाकी आप सबका क्या मानना है दचियार के कमेंट करो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी मार सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगता है। चलते हैं आज की वीडियो में, ना है बाकी एक ठो बात बता देना चाहते हैं, हमको हमसे बातचीत करना हो तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी जिसका नाम है TK7 भोजपुरी, वहाँ जाके फॉलो मारो, मैसेज करो। चलते हैं, नमस्कार।